आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में बड़ी पेशरफ सामने आई है। साबिक खादिम आला पंजाब शहबाज शरीफ के गिर शिकंजा मजीद सख्त, चेयरमैन नैब ने रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। अपोजिशन लीडर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। नैब ठोस शवाहिद पर ही इकदाम करता है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की डीजी नैब से मुलाकात में गुफ्तगू, तफसीलात के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदा राहिल सैयद से। जी राहिल, बताइएगा क्या मुश्किल बढ़ सकती हैं शहबाज शरीफ के लिए? अब ये बड़ी पेशकश हुई आशियाने बड़े स्कैंडल के हवाले से, जिसमें आज चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने लाहौर ऑफिस का दौरा किया था और जो डीजी नैब है शहजाद सलीम से मुलाकात भी की थी। जायका कहना यह कि इसके मुलाकात में जो चेयरमैन नैब है उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाने बड़े स्कैंडल में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी है और कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ हफ्ते तक जो है ना एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। रेफरेंस जो है 100 से ज्यादा सफा पर मुश्किल है, जिसमें इल्जाम ये लगाए गए हैं कि शहबाज शरीफ ने अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल किया है और उसकी वजह से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ये बड़ी पेशरफ्त है जो अचानक बाइस कैंड में सामने आई है और अब कहा यह जा रहा है कि जल्द जो है बाकायदा अदालती ट्रायल शुरू हो जाएगा और नैब की जानब से जो है वो रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। जायका कहना यह है कि नैब के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं और इस हवाले से उनको उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो अपना रेफरेंस है वो तैयार कर लिया है और तमाम शवाहिद की रोशनी में जो है रेफरेंस दायर करने की मंजूरी चेयरमैन नैब ने दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहिल।